मथुरा में एक निजी नर्सिंग होम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सपा नेता ने इलाज के बकाया रुपए मांगने के बदले में अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट कर अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सपा नेता शिव कुमार पर आरोप है कि जब उनके मरीज की बिगड़ी हालत को देखकर आगरा रेफर किया गया और उनसे बकाया रुपया मांगा गया तो शिव कुमार पहले तो पैसे के लिए टालमटोल करता रहा और फिर जब स्टाफ द्वारा पेमेंट के लिए जोर दिया जाने लगा तो शिव कुमार और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने स्टाफ के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ करने लगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जब उनको बिल दिया गया तो उन्होंने बताया कि भाई पेशेंट हमारा सीरियस है, जरा पेशेंट हमारा शिफ्ट हो जाए। हमने पेशेंट शिफ्ट करा दिया, उसके बाद में उन्होंने हमारे मैनेजर के साथ में बदतमीजी करी, बोले हम तेरे को बिल दिलवाते हैं, बहुत देर से तू बिल मांग रहा है, और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसको हॉस्पिटल के अंदर दौड़ा के उसको पीटा मारा और उसके बाद में फिर वो भाग गए। वहीं फरुखाबाद के 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राओं के टूर में घपले की शिकायतों की जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टूर ले जाए बिना ही बिल बाउचर लगा दिए गए। अपर जिलाधिकारी मनोज सिंघल ने जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के उपनिदेशक और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक ने अलग अलग तिथियों में बीएसए कार्यालय आकर इस मामले की जांच की थी। पता चला है कि इसके साथ ही मामले में लीपापोती का काम भी शुरू हो गया है। फतेहपुर सीकरी के शैक्षिक भ्रमण के बिलों में कायमगंज और शमशाबाद का टूर 30 मार्च को ले जाया जाना था। कमालगंज, नवाबगंज और राजेपुर के बिल 31 मार्च को लगाए गए, जबकि इन तिथियों में टूर गया ही नहीं। 4 और 6 अप्रैल को टूर ले जाने से कक्षा 8 में अध्ययनरत नहीं छात्राएं मार्च में सत्र समाप्त हो जाने से जा ही नहीं पाई। इस बारे में जिलाधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट मिल गई है। हमारे पास और भी मामले भी अवेटेड हैं, वो पूरे आ जाए जानकारी फिर उसका हम आपको बताएंगे। मुजफ्फरनगर में विनोद कापड़ी के निर्देशन में बनी फिल्म मिस टनकपुर हासिर हो को खाप पंचायतों के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। खाप पंचायतों द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर सिनेमा हॉल में आगजनी की चेतावनी के बाद सिनेमा हॉल के मालिकों ने फिल्म मिस टनकपुर हासिर हो को अपने सिनेमा हॉल में रिलीज न करने का फैसला लिया है। दरअसल पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के गाँव भैंसी में अहलावत खाप की एक पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हूँ में दिखाए गए पंचायत के एक सीन पर आपत्ति जताई गई थी। पंचायत का कहना था कि फिल्म में पंचायत को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से कहा था कि फिल्म को रिलीज करने से पहले उन्हें और खाप चौधरियों को दिखाए जाने जाए, नहीं तो वो फिल्म को चलने नहीं देंगे, और अगर उनको बिना दिखाए फिल्म रिलीज की गई तो वो जिस सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज होगी उसमें आगजनी की जाएगी। पंचायत के इस फैसले के बाद सिनेमा हॉल के मालिकों ने फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो को अपने सिनेमा हॉल में रिलीज न करने का फैसला लिया है। एक बार भैंस पानी में गई तो उसकी मर्जी के बिना उसने उसका बाप भी निकाल सकता। अरे बावड़ी पूछ, भैंस के बलात्कार के रेप के बारे में, भाई कौन भैंस के साथ रेप कर रहा है? आदमी पे भी हमला, पंचायतों पे भी हमला। जब ये ऐसी ऐसी पिक्चर बनाओगे आने वाले बच्चों का क्या होगा? इनका इन्हें बच्चों को भैंस पर रेप बता रहे, आदमी भैंस के साथ रेप कर रहा। अगर ऐसे ऐसी पिक्चर बनाई गई जो ये पिक्चर बना रहा है उसका सर कलम कर दे। अगर भैंस ही में क्या वन भैंस दी जानी उसे जो उनका सर कलम कर कला होगा। यहाँ उधर बाराबंकी के राम स्नेही घाट कोतवाली के गांव वनपुरवा में अवैध संबंधों के चलते एक कलयुगी मां ने अपने जिगर के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने 12 वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। बच्चे का दोष सिर्फ इतना था कि उसने अपनी माँ को आरोपी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। करीब 45 दिन पहले हुई सनसनीखेज घटना का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और आरोपी मां और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। काफी समय से तफ्तीश की जा रही थी तो इसमें संदिग्धता आधार पर जो है कई लोगों से पूछताछ की गई, जो बात फिर सामने निकल के आई कि बच्चे की मां का ही इसमें जो है रोल समझ में आ रहा था। उसके मां के एक व्यक्ति से अवैध संबंध भी थे, वो अवैध संबंध को इस बच्चे की जानकारी हो गई थी। इसी चक्कर में उसने माँ ने और उसके जो जिससे अवैध संबंध थे सोहन लाल, इन दोनों ने मिलकर उस बच्चे को मार दिया।
उधर आगरा में नगर निगम के दावों की पोल पहली बारिश में ही खुल गई। नगर निगम हमेशा से दावे करता रहा है कि बारिश आने पर कहीं भी पानी का भराव नहीं होगा, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो वहीं पहली झमाझम बारिश के बाद सड़कों की दुर्दशा हो गई। बारिश के बाद हर चौराहे पर और सभी सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दिया। बारिश के चलते आने जाने वाले राहगीरों को बेहद परेशानी झेलनी पड़ी। नगर निगम की लापरवाही और खोखले दावों के बारे में जब नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई तो उनका बयान कुछ अलग ही था। अधिकारियों के मुताबिक पहली बारिश थी और जगह जगह कूड़ा करकट जमा हो गया था, जिसकी वजह से नालों पर लगी जाली बंद हो गई और पानी भर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को वाराणसी आएंगे। 2015 में प्रधानमंत्री का यह पहला वाराणसी दौरा है। लगभग 3.5 घंटे प्रधानमंत्री वाराणसी में रहेंगे और BHU ट्रॉमा सेंटर सहित इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का उद्घाटन करेंगे। 28 जून को मोदी शाम 3:40 पर विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और 4:05 पर हेलीकॉप्टर से DLW ग्राउंड पर पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से BHU ट्रॉमा सेंटर उद्घाटन के लिए 4:30 पहुंचेंगे और 15 मिनट ट्रॉमा सेंटर में रहेंगे, जहां वो उद्घाटन करेंगे और ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण करेंगे और फिर 5 बजे सड़क मार्ग से DLW ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का उद्घाटन करेंगे और करीब 8 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली चले जाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रहेगी। SPG के साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, जिसमें पुलिस और PSC के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी रहेंगे। प्रधानमंत्री के ट्रॉमा सेंटर के दौरे के मद्देनजर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अधिकारियों ने सुरक्षा का रिहर्सल और निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री 28 तारीख को आ रहे हैं। क्या कार्यक्रम है उनका? हमको तो एक कार्यक्रम की जानकारी है कि हमारे ट्रॉमा सेंटर का वो उद्घाटन करेंगे। क्या टाइमिंग? उसको सामान्य जनता के लिए लोकार्पित करेंगे। 4:25 समय हमें बताया गया है, 4:25 पर वो उस कार्य की शुरुआत करेंगे और 4:45 पर वहां से वो विदा। वहीं बहराइच के कोतवाली नगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब रास्ते से गुजर रही किशोरी मनचले की छेड़खानी से तंग आकर मर्दानी बन गई। फिर क्या था, किशोरी ने मनचले की मौके पर जमकर धुनाई कर दी। इसके बावजूद भी जब किशोरी का गुस्सा शांत नहीं हुआ, उसने बाकायदा पीटते हुए मनचले को सबक सिखाने के लिए उसे खींचते हुए पुलिस चौकी पर ले गई और पूरे मामले की दास्तां पुलिस को सुनाई। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को कस्टडी में लेते हुए मामला दर्ज कर जांच की कार्रवाई में जुट गई है। मनचले की पिटाई होते देख लोग तमाशबीन की तरह देखते रहे। उधर आगरा के कमला नगर इलाके में कार ने एक स्कूटी पर सवार एक महिला और उसके साथ बच्चे को रौंद दिया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल एक महिला बच्चे के साथ स्कूटर पर जा रही है, तभी मोड़ पर एक बेकाबू कार ने स्कूटर में टक्कर मारी और दोनों को बुरी तरह से रौंद दिया। कार ने महिला और बच्चे को करीब 15 फीट तक घसीटा। गनीमत ये रही कि महिला और बच्चे को हल्की ही चोट आई। वही मथुरा में आवारा जानवरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इन आवारा जानवरों के कारण आए दिन कोई ना कोई घायल होता रहता है। द्वारकाधीश मंदिर के पास एक मवेशी ने ऐसा आतंक मचाया कि राह चलते एक बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। आवारा जानवर बीच बाजार आपस में ही लड़ गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर घायल हो गए। आवारा जानवरों के इस तांडव पर प्रशासन का कोई जोर नहीं है, ना ही इन्हें रोकने की सुध नगर पालिका ले रही है। रोज चोटिल होती हैं यात्री। प्रदेश विश्राम घाट का इलाका है, कोई कुछ नहीं कहता है, अपने आप रूठते।
वहीं बस्ती के दो कॉलेजों में बड़े पैमाने पर फर्जी नियुक्तियों का मामला सामने आया है। बस्ती जनपद के एपीएन और किसान पीजी कॉलेज में 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। साल 2013 और 14 में फर्जी नियुक्ति मामले में एपीएन पीजी कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉक्टर आर के पाठक और किसान पीजी कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य अजीत कुमार पांडे समेत 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा 12 कर्मचारियों को बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामला रुधौली क्षेत्र के कांग्रेस विधायक संजय जायसवाल ने विधानसभा में उठाया है, जिसे सीएम ने गंभीरता से लिया और जिलाधिकारी बस्ती के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मामले की जांच कराई, जिसमें 16 लोगों की फर्जी मार्कशीट जांच के दौरान मिली। सीएम ने 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उधर मुरादाबाद में पुलिस ने फर्जी आरटीओ बनकर अवैध वसूली करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। फर्जी आरटीओ के दो साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने इस फर्जी आरटीओ के पास से एक नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी भी बरामद की है, जिसे ये अवैध वसूली करने में इस्तेमाल कर रहा था। थाना सिविल लाइन को एक शिकायत मिली थी कि कुछ लोग अगवानपुर फाटक के पास नीली बत्ती लगी हुई बुलेरो गाड़ी में बैठकर वाहनों की से अवैध वसूली कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई से आरोपी शख्स देवनारायण को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी देवनारायण, सनी और कुलदीप मुरादाबाद रोडवेज के में ड्राइवर बताए जा रहे हैं और कुलदीप मुरादाबाद रोडवेज के एआरएम का ड्राइवर है। जब भी रोडवेज के एआरएम छुट्टी पर जाया करते हैं तो इन तीनों की टोली फर्जी आरटीओ बनकर वाहनों से अवैध वसूली को अंजाम दिया करती है। बाराबंकी में दबंगों का राज है और कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। यहां 14 साल की मासूम दलित लड़की से दुराचार का मामला सामने आया है। घटना को दबाने का दबाव बनाते हुए पीड़ितों को धमकाया, इतना ही नहीं पीड़िता की मां के साथ मारपीट भी की और उसका कान काट दिया गया। इंसाफ की आस में मां बेटी एसपी ऑफिस के चक्कर काट रही है, लेकिन न थाने में सुनवाई हो रही है और न ही एसपी ऑफिस में। वहीं पुलिस आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही है। इतना ही नहीं पीड़ित का मेडिकल भी नहीं कराया गया। हमका और हम ढके ढीन बस हमारे साथ गलत काम करी वो समायन तो मस्त हम तो अम्मा गई कहा इनके घर का बस गिरा लिहन रा केस और कमलेश गिरा मारी लड़की आई थी और उसके विषय में मैंने पता किया था। जैसे तो पता चला मारपीट की घटना हुई थी और बाद में रेप का आरोप लगा कर उसने एप्लीकेशन किया है, घटना की जांच कराई जा रही है। पति शराब पीता हो तो और दहेज का लालची हो तो एक पत्नी की जिंदगी नर्क बनते देर नहीं लगती। ऐसे में अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर एक दुल्हन सात फेरों से पहले ही बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल खबर हाथरस के रामपुर गांव से है, जहां शादी का जश्न पूरे शबाब पर था। सात फेरे की तैयारी चल रही थी। दुल्हन के परिवार ने हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया, लेकिन जब दूल्हे ने और दहेज की मांग की ये बात दुल्हन को नापार गुजरी। इतना ही नहीं दूल्हे ने शादी में शराब भी पी रखी थी, फिर क्या था दुल्हन के सब्र का बांध टूट गया। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और बारात को वापस लौटा दिया। दारू पी के आए हुए थे, मेरे पापा जी से मारपीट की और गला बांध पकड़ के खींच ले गए थे। लड़का मतलब शराब पी हुए था? हाँ, शराब पी हुए था। दरवाजे पे पापा जी से मारपीट की, गला बांध पकड़ के खींच के ले गया था पापा जी को। उसकी वजह से मेरे पापा जी को अटैक पड़ गया। आपने शादी से इनकार कर? हाँ, मैंने शादी से इनकार किया, मुझे शादी नहीं करनी। जब मेरे पापा से इतनी बदतमीजी कर रहा था मुझसे, आगे चल के पता नहीं क्या करेगा। वही सीतापुर के मोहली कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव इलाके में बच्चों के आपसी विवाद में दो पक्षों में कई राउंड गोलियां चली। गोलीबारी में 3 की मौत हो गई जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर हालात काबू करने के लिए कई थानों की फोर्स को भेजा गया। मोहली थाना इलाके के बड़ा गांव के प्रधान भूरे सिंह और आगामी प्रधानी के चुनाव में संभावित उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पिछले प्रधानी चुनाव के दौरान भी दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। कुछ महीने बाद होने वाले प्रधानी चुनाव की वजह से दोनों के बीच फिर से माहौल गर्म होने लगा और इसी बीच विवाद बढ़ गया और बच्चों का झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बहराइच के निर्दयी दरोगा पर कार्रवाई कम। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक हिंसक दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या महिला को थाने में पीटने वाले दरोगा को पुलिस बचाना चाहती है? आखिर क्यों जांच की बात कर पल्ला झाड़ रही है पुलिस? क्या बहराइच में इंसाफ मांगना गुनाह है? महिला एसपी के होते हुए महिला पर अत्याचार क्यों? छोटक यादव पर आखिर एसपी नेहा पांडे चुप क्यों है? ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि अभी तक
हिंसक दरोगा पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कहाँ के थाना अध्यक्ष ने तुमको मारा? खैरी घाट के। क्या नाम है उसका? छोटा क्या दो ऐसो खैरी घाट। हाँ, ऐसो खैरी घाट का हाथ से जूता से मारना है। सबके सामने? हाँ सब, मतलब माँ बहुत लोग उतर रहा है। नहीं तो क्या थाने पे दौड़ा दौड़ा कर मारा? हाँ वही बरामदा में खींच खींच के मारी ना ऐसो ने। हाँ बस ऐसा पकड़ी झोटा हमार और खींच के लेकर गए बरामदा में। बरामदा भरे में यहाँ लात भूसा जूता और झापड़े थे कान में, हमारे सुनाई नहीं देते कि। बागपत के लोगों को कई साल बाद बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात उन्हें बागपत लोकसभा क्षेत्र सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह की बदौलत मिली है। दरअसल बागपत को रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने एक शटल ट्रेन दी है और झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना भी कर दिया। बागपत को मिली ये नई रेल बड़ौत से दिल्ली रूट पर चला करेगी। दरअसल रेल मंत्री ने बड़ौत रेलवे स्टेशन से एक नई शटल रेल को हरी झंडी एलईडी पर दिखाई, साथ ही स्टेशनों के नवीनीकरण की बात कही। वहीं इस दौरान सांसद सतपाल सिंह ने रेल मंत्री से इस शटल ट्रेन का नाम किसान रेल नाम रखे जाने की बात कही। वहीं रेल मंत्री ने कहा कि 5 साल के अंदर 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश रेलवे में करेंगे और आने वाले 10 सालों में 2 गुना निवेश करेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पीपीपी मॉडल के आधार पर सभी स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। आने वाले दिनों में पूरी सभी स्टेशन के ऊपर करेंगे हम पीपीपी मॉडल के ऊपर, देश के पीपीपी मॉडल के ऊपर भी आगे आने वाले दिनों में सभी स्टेशनों का विकास करने के लिए भी एक नई योजना ला रहे हैं। वो नीति भी जब आएगी तभी इसके लिए भी एक आपको एक अपनी उपलब्धि होगी जिससे हम वो काम भी कर पाएंगे। और आईएसओ के मानकों पर खरा उतरने पर हाथरस जिले के थाना हाथरस गेट ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी को लेकर गुरुवार को आईजी जोन आगरा आरडीसी मिश्रा ने प्रदेश में दूसरा आईएसओ प्रमाणित थाना बनने पर थाने का लोकार्पण किया। इस मौके पर आईजी के साथ जिलाधिकारी एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आईजी ने बताया कि जन सुविधाओं की दृष्टि से ये थाना अच्छा है। नोएडा के जेआरबी मॉल में बास्केटबॉल ओपल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्ट्स एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी स्टैग इंटरनेशनल ने किया था। प्रतियोगिता का आयोजन 3x3 फॉर्मेट पर किया गया जिसमें हर खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन के लिए 10 मिनट का वक्त दिया गया। बी लीग के नाम से हुए इस टूर्नामेंट में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। टूर्नामेंट के कोऑर्डिनेटर अर्णव वत्स ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मकसद नए खिलाड़ियों को उभारना है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को कोचिंग दी जाएगी। खिलाड़ियों के मुताबिक बास्केटबॉल के टूर्नामेंट कम होते हैं, ऐसी प्रतियोगिताओं को बढ़ाए जाने की जरूरत है। मेरा पैशन है बास्केटबॉल, मैं चाहता हूँ मैं अपने आप को बहुत सर्व करूँ बास्केटबॉल में, अपनी कंट्री को सर्व कर पाऊँ अच्छी पोस्ट पे रह के। और पैशन है मेरा तो मेरे लिए ऑफकोर्स है ही बनना, जहाँ होता है जाते मेरी तरफ से मैं जा पाता हूँ खेलने, और मैं चाहूंगा भी आगे भी जहाँ भी होता रहेगा जहाँ मेरी तरफ से कोशिश रहेगी मैं वहाँ जाके भी खेलना चाहूंगा। मैंने एक 3-on-3 फॉर्मेट रखा है उनके लिए, एक पूरी टीम है तो टीम एबिलिटी देखने के लिए कि आप एक टीम में कैसा खेल जा, अकेले प्लेयर है नहीं है, इसके लिए हमने एक 3-on-3 कॉन्टेस्ट रखा है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है, हमारे मेन जो स्पॉन्सर्स हैं इस बार एक स्टैग है, समाचार न्यूज हमें अच्छा कवरेज दिया है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और दुबई में रहने वाले भारतीय जितेंद्र ज्ञानचंदानी ने अपनी किताब द 3 U-turn ऑफ माई लाइफ का विमोचन किया। इस किताब की थीम चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमबीए पर है। किताब में भारत में भ्रष्टाचार भारत पर एक चैप्टर है। जितेंद्र ने कहा कि किताब लिखने की प्रेरणा उन्हें चेतन भगत से मिली। तीन साल लगे क्योंकि पहला किताब था तो काफी मेहनत करनी पड़ी, जिसको मैंने 25 बार रीराइट किया है। 25 ड्राफ्ट के बाद मैंने पब्लिशर को सबमिट किया और मैंने ह्यूमर पे ज्यादा ध्यान दिया, तो बुक में काफी ह्यूमर है, विटी है और डायलॉग्स पे काफी ध्यान दिया, और जो बुक का टोन है वो मैंने काफी फास्ट पेस रखा है जो रीडर्स को बोर नहीं करेगा। तो काफी मेहनत थी सेटिंग्स पर, डायलॉग्स पर, एंड पर। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना पर जनता को की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र में भी समाचार प्रेस ने लोगों की मन की बात जानी। जब से स्मार्ट सिटी का नाम सुना है तब से मुझे बहुत दिल में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बनारस जो पुराने शहर है
कि ये शहर भी इस मास्टरी में शामिल है के चलते हमारे शहर में वाराणसी में अच्छी स्थिति बनेगी, रोड बनेंगे, घाट बनेंगे, सारी चीजों का यहाँ पे विकास होगा, इस चीज का हम स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना को लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा, जिसमें 13 शहर यूपी के शामिल हैं। स्मार्ट सिटी योजना में आगरा का नाम आने पर जिले के लोग बेहद खुश हैं। आगरा की रूपरेखा तो स्मार्ट सिटी की होनी चाहिए, यहाँ पर्यटन है, सब कुछ है, लेकिन एक केवल पर्यटन से ही कुछ नहीं होता। यहाँ पे रोजगार की विशेष समस्या है, केवल स्मार्ट सिटी से क्या होगा, जब तक रोजगार नहीं होगा पब्लिक के लिए क्या हो सकता है। आगरा वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, स्मार्ट सिटी बने, आगरा में विकास काफी हो रहा है, स्मार्ट सिटी का नाम आया, प्रधानमंत्री ने लिया, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा होता है तो आगरा का विकास सुनिश्चित है। पहले भी वैसे आगरा एक स्मार्ट सिटी है, मतलब अग्रणी शहर है, लेकिन उस हिसाब से आगरा का विकास नहीं हुआ है। शायद अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगरा का विकास तेजी से होगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की एक मुस्लिम लड़की नजमा परवीन पीएम मोदी से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने शोध विषय में ही मोदी को शामिल कर लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा के सुपरवाइजिंग में शोध कर रही नजमा का विषय है महानायक नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व एवं 2014 का आम चुनाव। अपने शोध विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने वाली नजमा ये विषय चुनने के पीछे के कारण पर प्रकाश डालती हुई कहती हैं कि उनका लक्ष्य एक कुशल राजनेता बनने का है, जिसके लिए जरूरी है कि हम सफल नेताओं की सफलता का राज जान सके। अपने शोध के उद्देश्य के बारे में बताते हुए नजमा कहती हैं कि कुछ लोगों के नकारात्मक प्रचार के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके पीछे के राजनीतिक समीकरण को समझना ही उनका उद्देश्य है, जिससे उनका भविष्य में सफल राजनेता बनने का सपना पूरा हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए भी पढ़ाई होती है, डॉक्टर क्षेत्र में जाने के लिए पढ़ाई होती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इंसान कैसे जाए उसकी कोई पढ़ाई अभी तक नहीं समझ में आती है। तो हमने सोचा कि जब मेरा राजनीतिक करियर है, हमने राजनीति को ही अपना करियर चुना है, तो हमने सोचा कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ही पीएचडी की जाए, क्योंकि उनको करीब से जान करके ही हम सफल हो पाएंगे कि एक अच्छे राजनेता के गुण कैसे होते हैं। माँ बाप की मौत के बाद सामाजिक संगठन विशाल भारत संस्था द्वारा नजमा की देखरेख का पूरा जिम्मा उठाया गया और उनके सपने को पूरा करने में संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव का बहुत बड़ा योगदान है। नजमा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि बुनकर परिवार की बेटी नजमा पढ़ाई में काफी तेज है। अल्पसंख्यक वर्ग की सामान्य लड़की ने अगर नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है और उस पर शोध करना चाहती है, उनके व्यक्तित्व पर का खाका खींचना चाहती है और उनके चुनाव के संदर्भ में विश्लेषण करना चाहती है, तो ये तो स्वागत हो एक कदम है। नजमा अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलकर करना चाहती है और वो नरेंद्र मोदी को वो नेता मानती है जिसमें उन्हें सबका साथ और सबका विकास दिखता है। वाराणसी से नितिका श्रीवास्तव की रिपोर्ट समाचार प्लस के लिए।